हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल टेक्नो इंडिया। मैं हूं दिशांत और आज मैं आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक्सपांशन जॉइंट का काम किस तरह से किया जा रहा है और ब्रिज में एक्सपांशन जॉइंट कहां पर प्रोवाइड किया जाता है उसको डिटेल में समझाऊंगा। और साथ ही साथ IRC SP69 में इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है एक्सपांशन जॉइंट से रिलेटेड। तो आपको मॉड्यूलर एक्सपांशन जॉइंट कहाँ पर प्रोवाइड होता है और सिंगल स्ट्रिप एक्सपांशन जॉइंट कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है उसको मैं आज डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। साथ ही साथ इसका इंस्टॉलेशन किस तरह से किया जा रहा है उसको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर काम किस तरह से किया जा रहा है। आपने जब भी हाईवे से या एक्सप्रेसवे से सफ़र करते हैं तब आपने स्ट्रक्चर पर देखा होगा इसी तरह से एक्सपांशन जॉइंट दिए होते हैं। ये एक्सपांशन जॉइंट का क्या काम होता है और इसे किस तरह से स्ट्रक्चर में प्रोवाइड किया जाता है आज मैं आपको इसी को डिटेल में समझाऊंगा। आप यहां पर देख सकते हैं एक्सपांशन जॉइंट किस तरह से वर्क करता है। एक्सपांशन जॉइंट कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है उसका मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। जहाँ पर भी ब्रिज में एक स्लैब के बाद दूसरा स्लैब आएगा वहाँ पर एक्सपांशन जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो स्लैब के रेनफोर्समेंट का काम चल रहा है और इन स्लैब के बीच में एक्सपांशन जॉइंट दिया गया है। आप ये जो प्लेट देख पा रहे हैं ये एक्सपांशन जॉइंट के लिए यहाँ पर बीच में गैप दिया गया है। दो स्लैब के बीच में यहाँ पर कितना गैप देना है वो ड्राइंग में मेंशन होता है। यहाँ पर 40 mm तक का गैप प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर स्लैब में मूवमेंट होगा। और इसे आप IRC SP69 से कंफर्म कर सकते हैं कि कितने मूवमेंट के लिए कौन सा एक्सपांशन जॉइंट आएगा। तो आप यहां पर सिंगल स्ट्रिप एक्सपांशन जॉइंट प्रोवाइड कर सकते हैं। और सिंगल स्ट्रिप एक्सपांशन जॉइंट किस तरह से होता है आप इस इमेज के थ्रू समझ सकते हैं। और इसे किस तरह से आप स्लैब में प्रोवाइड करना है चलिए उसे देख लेते हैं। यहाँ पर वियरिंग कोर्स हो जाने के बाद में यहाँ पर वियरिंग कोर्स को कट किया जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर में किस तरह से वियरिंग कोर्स का काम कंप्लीट हो चुका है। और जहां पर एक्सपांशन जॉइंट प्रोवाइड करना है वहां का मार्किंग कर दिया गया है और उसका यहां पर कटिंग किया जा रहा है। अगर आपने स्ट्रक्चर पर वियरिंग कोर्स किस तरह से किया जाता है वो वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा वियरिंग कोर्स को करते समय एक्सपांशन जॉइंट पोर्शन में इस तरह से यहाँ पर सैंड बैग को भर दिया जाता है और सैंड बैग को वापस से जब एक्सपांशन जॉइंट किया जाएगा तब रिमूव किया जाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं ब्रेकिंग के थ्रू यहां पर जो अनवांटेड कंक्रीट है उसे रिमूव किया जा रहा है और स्टील को जो स्लैब में से स्टील को यहां पर निकाला जाएगा और स्टील के साथ में एक्सपांशन जॉइंट के स्टील को वेल्ड किया जाएगा। तो उस वेल्डिंग को किस तरह से किया जाएगा आप उसे भी मैं आगे दिखाऊंगा। अभी आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह से यहां पर ब्रेकिंग के थ्रू स्टील को स्लैब के स्टील को निकाला जा रहा है। एक्सपांशन जॉइंट के पोर्शन को क्लीन करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर एक्सपांशन जॉइंट प्रोवाइड किया जाएगा। आप यहाँ पर इसके कंपोनेंट के नाम देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर वाटरप्रूफ रबर सील आएगा जिसे नियोप्रिन रबर भी कहा जाता है। यहाँ पर एक एक्सपांशन जॉइंट के लेंथ की बात करें तो यहाँ पर अप्रॉक्स 3.5 meters का एक्सपांशन जॉइंट प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर टोटल 6 number ऑफ एक्सपांशन जॉइंट कंटिन्यूस प्रोवाइड किए जाएंगे तो ये एक फुल एक्सपांशन जॉइंट का वर्क करेगा। और यहाँ पर इसे वेल्ड किया जा रहा है, इसे स्लैब के सरिये के साथ यहाँ पर वेल्ड किया जाता है। उसके बाद ये इसे फिक्स कर दिया जाएगा और एक लेवल में करने के लिए यहाँ पर ऊपर से एक सी चैनल को फिक्स किया जा रहा है जो इसे लेवल में मेंटेन रखेगा। आप यहां पर देख सकते हैं इसे किस तरह से स्लैब के सरिये के साथ वेल्ड कर दिया गया है। अब कंटिन्यूस वेल्ड हो जाने के बाद में इसके बीच में आप यहां पर फॉर्म शीट देख सकते हैं। इस फॉर्म शीट को लगाने से पहले भी क्या प्रोसेस किया जाता है चलिए उसे देख लेते हैं। एज बीम यहां पर फिक्स हो जाने के बाद आप देख सकते हैं जहां पर नियोप्रिन रबर का पोर्शन है वहां पर किस तरह से फॉर्म और ग्रीस को फिल किया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं कहां पोर्शन में इलास्टोमेरिक नियोप्रिन रबर आएगा और किस तरह से एज बीम है।
जिस पोर्शन में नियोप्रिन रबर या फिर वाटर सील के लिए रबर आएगा उस पोर्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी फॉर्म और ग्रीस लगाया जा रहा है। जब यहाँ पर कंक्रीट किया जाएगा उसके बाद में नियोप्रिन रबर को लगाया जाता है। ड्यूरिंग कंक्रीटिंग इस पोर्शन में कंक्रीट अंदर ना चला जाए उसके लिए यहाँ पर ग्रीस और फॉर्म को फिल किया जा रहा है। थर्माकोल की शीट यहाँ पर दोनों स्लैब के बीच में गैप मेंटेन रखेगी। आप यहां पर देख सकते हैं कंटिन्यूस थर्माकोल की शीट को लगा दिया गया है गैप मेंटेन करने के लिए। ये गैप मेंटेन हो जाने के बाद में यहां पर किस तरह से कंक्रीटिंग किया जाएगा चलिए उसे देख लेते हैं। इस पोर्शन में यहां पर अभी नीटो बॉन्ड लगाया जाएगा। नीटो बॉन्ड ओल्ड कंक्रीट और न्यू कंक्रीट के बीच में लगाया जाता है, तो नीटो बॉन्ड को अप्लाई किया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पर कंक्रीट कर दिया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंक्रीट कंप्लीट हो चुका है और इसका फिनिशिंग भी कंप्लीट कर दिया जाता है। फिनिशिंग कंप्लीट हो जाने के बाद में एक सरफेस जो फर्स्ट स्लैब है और सेकंड स्लैब के सरफेस एकदम स्मूथ होना चाहिए ताकि आपको राइडिंग क्वालिटी स्मूथ मिले और सफ़र के बीच में आपको कोई भी जर्क महसूस ना हो। अब आप यहां पर देख सकते हैं मॉड्यूलर एक्सपेंशन जॉइंट यहां पर पड़े हुए हैं। ये नर्मदा रिवर ब्रिज की साइट है जहां पर स्लैब में मूवमेंट मोर देन 80 mm होता है। वहां पर स्पान लेंथ भी काफ़ी यहां पर ज़्यादा होने की वजह से यहां पर मॉड्यूलर स्ट्रिप जॉइंट प्रोवाइड किया गया है। और यहां पर आप देख सकते हैं सभी का अलग अलग साइज़ है, जिसका जितना स्पान लेंथ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर सिंगल स्ट्रिप जॉइंट से लेकर डबल स्ट्रिप, ट्रिपल स्ट्रिप और उससे भी ज़्यादा स्ट्रिप के यहाँ पर जॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पर जैसा स्पान लेंथ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मूवमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जॉइंट प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ आप इसका लोकेशन देख सकते हैं और यहाँ पर कितना मूवमेंट है उसको भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर कितने मूवमेंट के लिए इसको प्रोवाइड किया जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। 34 mm के लिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब मैं आपको इस एनिमेशन के थ्रू बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि मॉड्यूलर एक्सपेंशन जॉइंट किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है। ये 3-dimensional मूवमेंट पे वर्क करता है और ड्राइविंग को काफ़ी कंफर्टेबल बनाता है। ड्यूरिंग द व्हीकल मूवमेंट ये शॉक और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करके सेफली ट्रांसपोर्ट करता है सपोर्ट स्ट्रक्चर पर। इसे भी स्लैब के स्टील के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एंकर बीम दिए गए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में इसमें भी वाटर टाइट सील को लगाया जाता है और यहाँ पर फिक्स कर दिया जाता है। एक्सपेंशन जॉइंट का इंस्टॉलेशन और कंक्रीटिंग हो जाने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से सरफेस दिखाई देता है। आई होप आपको वीडियो में प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह से लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।